उमरिया में नए वॉलीबॉल प्ले ग्राउंड का शुभारंभ कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाल ने किया। इस दौरान प्रशासन के लोगों के साथ खेल प्रेमी मौजूद रहे। सुंदरता और कायाकल्प की नीति की शुरुआत कलेक्टर और एसपी ने रिबन काटकर किया। वॉलीबॉल प्ले ग्राउंड कार्यक्रम में आए लोगों ने कार्यक्रम की सराहना की। गौरतलब है कि नवागत नगर निरीक्षक डॉक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह ने उमरिया कोतवाली का पदभार जब से ग्रहण किया है, हर दिन परिसर को सजाने संवारने के नए प्रयास किए जा रहे हैं। थाने में जब्त खड़े वाहनों को व्यवस्थित जगह देकर कोतवाली परिसर को नया रूप दिया जा रहा है। कोतवाली की व्यवस्थाओं को सही रूप देने का भी कार्य किया जा रहा है। ये इस समय जैसे आप लोगों को विदित है कि कोरोना महामारी चल रही है। इस कोरोना महामारी का सबसे बढ़िया इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए खेलकूद शारीरिक रूप से सक्षम होना मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यंग और प्रतिभावान और खेल के प्रति सद्भावित हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जो खेल के प्रति मोटिवेशन करते रहते हैं, तो उनके द्वारा निर्देशित किया गया था कि हर थाने में वॉलीबॉल का ग्राउंड बने, इंडोर आउटडोर स्टेडियम खेल का ग्राउंड तैयार हो। तो उनके निर्देश के पालन में मेरे द्वारा एक कोतवाली परिसर में वॉलीबॉल का ग्राउंड का निर्माण कराया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।